ये 3-4 मीटिंग के बाद में बहुत अच्छा इनमें कोऑर्डिनेशन हो गया, बिल्कुल नाउ दे हैव हर एक चीज कोऑर्डिनेशन में, आर्मी, बीएसएफ और स्टेट लेवल पर, तो ये कोऑर्डिनेशन का बहुत बड़ा फायदा होता है. एंड आई गॉट द फीडबैक कि बाउंड्री जहां है इतनी स्ट्रांग है, इज बीइंग प्रोटेक्टेड दैट स्ट्रांग, कि अपना जो पाकिस्तान की ये बाउंड्री है इसमें से अभी इन्फिल्ट्रेशन ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है. दैट हैज बीन थोरली चेक्ड, पूरा चेक है यहां और अलर्ट है पूरे सभी. आना ही पॉसिबल नहीं है, गलती से कहीं आ गया तो ढेर ही होना है, वापस नहीं जा सकता, पकड़ जाएगा ना व्यवस्था. परंतु अब नया जो ड्रोन का है उसमें भी टेक्नोलॉजी आर्मी की तरफ से बीएसएफ के साथ में कोऑर्डिनेशन में, प्लस लोकल पुलिस, डिस्ट्रिक्ट एसएसपीज वगैरह सब मिलके, ये ड्रोन में भी काफी अवेयर. आपने देखा है कि ड्रोन काफी गिराए जा रहे हैं, फिर भी अभी भी आई एम नॉट सेटिस्फाइड. कारण क्या है, कितने आते होंगे कितने जाते होंगे, ग्रास रूट पर जो फीडबैक आ रहा है वो खुद तो चिंताजनक है ही. अभी मतलब अभी भी ड्रग्स आ रहा है और बड़ी संख्या में आ रहा है. एज फार एज ऑफिसर्स आर कंसर्न, मैं लास्ट टाइम तक उतना सेटिस्फेक्शन नहीं था, परंतु अभी पूरा जो रिव्यू लिया उसमें मैं ये बोल सकता हूं कि दे आर सारे ऑफिसर्स, दे आर ट्राइंग देयर लेवल बेस्ट, ह्यूमनली पॉसिबल है वो हर एक चीज कर रहे हैं. एकदम 100% फुल प्रूफ टेक्नोलॉजी ड्रोन के मामले में वी आई नहीं कोशिश करेंगे. रिसर्च चल भी रहे हैं, कुछ डेवलप भी हुई है, और मेरे ख्याल से वी विल ओवरकम विद इन ईयर्स, साल भर में हम ओवरकम करेंगे. सबसे बड़ा काम मैंने पहला मीटिंग में आने के बाद में जो फील किया, दूसरी मीटिंग में हमने चीफ सेक्रेटरी साहब को, डीसीपी सबको, इनको सबको कहा कि 10 किलोमीटर बॉर्डर से 10 किलोमीटर में जितने भी गांव हैं उनमें सुरक्षा समितियां बनाई जाए, 11-11 लोगों की. बड़ा गांव है तो उसको बढ़ा के 15 भी कर सकते हैं जैसी जरूरत है. वो वहां के डिस्ट्रिक्ट के डीसी, एसएसपी, उन पर छोड़ी. और सेटिस्फेक्शन इस बात का है कि रिलीजियसली उसको टॉप प्रायोरिटी देके हर जिले के डीसी और एसएसपी दोनों ने मिलके सुरक्षा समितियां बनाई है हर गांव में. काफी बन गई हैं, कई जिले में तो 120 130 तक गई है, कहीं 80-85 है, कहीं कुछ और बननी होगी. तो उसको रिलीजियसली लिया गया है, बनाई जाएगी सुरक्षा समिति. और सुरक्षा समिति का काम बहुत अच्छा है, फीडबैक हमने लिया है. कारण क्या होता था, एक बात निश्चय मानिए कि पाकिस्तान से ड्रोन आया, ड्रग्स गिराया, जब ड्रग्स गिराएगा तो उसको संभालने वाला तो कोई यहीं का ही बंदा होगा ना, यहीं की टीम होगी उसको स्नैच करना. मतलब इनका डायरेक्ट संबंध पाकिस्तान वाले कुछ न कुछ यहां पर हैं, एंटी सोशल एलिमेंट जिनको हम बोल सकते हैं, तो वो गांव में ही है. एक आई कैन अंडरस्टैंड पुलिस को या इंटेलिजेंस
धोखा एक बार खा सकती है, उनका एरिया बड़ा होता है, उनको मालूम ना हो। परंतु गांव में ये आदमी ये धंधे में लगा हुआ है, ये गांव वालों से छिपा नहीं रह सकता, ये बात निश्चित। और वो आदमी जो एंटी सोशल एलिमेंट है, उससे गांव का आदमी दुश्मनी लेना नहीं चाहेगा ओपनली, डरते हैं ना, तो दुश्मनी नहीं लेगा, तो कोई आगे नहीं आता था। परंतु अब अच्छे बोल्ड लोग जो आगे आए हैं वॉलंटरीली, एसपी और एसएसपी और डीसी साहब, ये दोनों मिलके सेलेक्ट करके ऐसे अच्छे लोगों के गांव में इन्होंने टीम बनाई है, और ये बहुत ही इफेक्टिव है। ये 11 लोग एक साथ बैठे तो डरने वाले हैं नहीं, फिर भी कौन 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 कॉन्फिडेंशियलिटी क्लॉज इज ऑलवेज देयर, कॉन्फिडेंशियल है ही। वो डायरेक्ट उनमें से बता के एसएसपी या डीसी को बता सकते हैं कि ये बंदा जरा गड़बड़ करना है, उसे चेक